अर्जुन रेड्डी और डियर कॉमरेड जैसी फिल्मों के लिए जाने जाने वाले विजय देवरकोंडा का अगला मोस्ट अवेटेड फिल्म वर्ल्ड फेमस लवर का फर्स्ट टीजर रिलीज हो चुका है और आज हम करने वाले हैं इसी टीजर पर कुछ डिस्कशन, देंगे अपना ओपिनियन और करेंगे इस टीजर का रिव्यू। तो कैसे हो यार, देखो कुछ दिन पहले ही क्रांति माधव ने इस मूवी के कुछ पोस्टर्स को रिलीज करी थी और मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना एक्साइटेड हुआ था उस पोस्टर्स को देखकर। इससे पहले मैंने विजय की सिर्फ अर्जुन रेड्डी ही देख रखी थी और उनके एंग्री लवर के डिपिक्शन को मैं एक बार फिर से बड़े पर्दे पे देखना तो जरूर ही चाहता था। ऐसे में वर्ल्ड फेमस लवर का फर्स्ट टीजर रिलीज हुआ है और नो डाउट यह मूवी भी तेलुगु इंडस्ट्री की तरफ से धमाकेदार फिल्म होगी ही होगी। इस एक मिनट कुछ सेकंड के टीजर में हमने विजय के ना जाने कितने ही रूप को देखा है, जिसमें से कि हर सेकंड हमें उनका एक नया इमोशन, दर्द और खुशियाँ दिखती है और कुछ सीन्स में तो ऐसा लगता है जैसे विजय सीधे अर्जुन रेड्डी के कैरेक्टर में चले गए। एक पल को तो मुझे ऐसा भी लगने लगा था कि यह टीजर सिर्फ अर्जुन रेड्डी का सीक्वल ही होने वाला है और दिल की बात बोलूं तो अर्जुन रेड्डी से ज्यादा इंटेंस लगा मुझे यह टीजर। तो विजय की हर मूवी की तरह ही यह फिल्म भी इंटेंस लव के सब्जेक्ट पर ही बेस्ड होने वाली है, पर इस बार की फिल्म ज्यादा बोल्ड और एक्सप्रेसिव होने वाली है। इस बार का सेंट्रल थीम लव स्टोरी नहीं बल्कि फॉर्म ऑफ लव होने वाली है, जो कि मुझे लगा टीजर के वॉइस ओवर से। टीजर की बात करें तो वर्ल्ड फेमस लवर के रोल में हमको विजय देवरकोंडा ही दिखने वाले हैं, जो कि टीजर के हिसाब से अब तक तो एक इंटेंस लवर नहीं है, भले फेमस लवर जरूर हो क्योंकि उन्हें बहुतों के साथ रिलेशनशिप में दिखाया गया है। टीजर में जो सबसे ज्यादा चीज हाईलाइटेड है वह है विजय का कैरेक्टर, विजय के डिफरेंट डिफरेंट लुक्स, बॉडी लैंग्वेज, स्टाइल और वही अर्जुन रेड्डी वाला सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड। टीजर के स्टार्टिंग से ही हमें राशि खन्ना का वॉइस ओवर सुनाई देता है, जो कि विजय के कैरेक्टर को ट्रू लव समझा रही होती है। यहाँ विजय के कैरेक्टर के अलग अलग फेज के लव को दिखाया गया है, जिसमें से कि वो अपने यंगर एज में ऐश्वर्या राजेश और उसके बाद इजाबेले लेइट के साथ रिलेशनशिप में दिख रहे हैं। यहाँ यह बताना जरूरी हो जाता है कि ऐश्वर्या राजेश का कैरेक्टर एक हाउसवाइफ के रोल में दिखाई देंगी, जो कि मोस्टली हाउस होल्ड में ही बिजी रहती है। वहीं दूसरी तरफ इजाबेले लेइट का कैरेक्टर एक पायलट का है, जो कि इंडिपेंडेंट और ऐश्वर्या राजेश के कैरेक्टर से टोटली ऑपोजिट है। मे बी इससे स्टोरी लाइन का कुछ रिलेशन जरूर हो। और जब विजय की बात चल ही रही है तो मूवी बोल्ड ना हो ऐसा भी कभी हो सकता है क्या? तो लास्ट के डायलॉग से यह भी रही सही डाउट क्लियर हो जाता है कि मूवी कितनी बोल्ड और एक्सप्रेसिव होने वाली है। मूवी के दूसरे एस्पेक्ट की बात करें तो मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं क्रांति माधव। टीजर में विजय, ऐश्वर्या और इजाबेला के अलावा भी हमें राशि खन्ना और कैथरीन ट्रेजा भी दिख रही है। मूवी को म्यूजिक दे रहे हैं गोपी सुंदर और प्रोड्यूस कर रहे हैं के वल्लभा। फिल्म की एक्सपेक्टेड रिलीज डेट है फरवरी 14, 2020, क्योंकि वैलेंटाइंस डे भी है। आपके परफेक्ट मूव को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए विजय आ रहे हैं अपने राउडी लवर के अंदाज में। पर्सनली टीजर मुझे बहुत ही अच्छा लगा और होप करूंगा कि मूवी की कंटेंट भी निराश नहीं करेगी। तो यह था मेरा रिव्यू, डिस्कशन और ओपिनियन इस टीजर वर्ल्ड फेमस लवर। बताइए आपको यह टीजर कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं लेता हूँ अलविदा, मिलेंगे अगले वीडियो। जय हिंद, सबका ख्याल।